हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दशहरा पर 20 लाइन का निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली लाइन, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दूसरी लाइन, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। तीसरी लाइन, यह त्योहार अश्विन मास में मनाया जाता है। चौथी लाइन, यह हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। पांचवी लाइन, यह त्योहार नवरात्रि के बाद मनाया जाता है। छठवीं लाइन, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। सातवीं लाइन, इस त्योहार पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आठवीं लाइन, इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। नवी लाइन, रावण दहन के लिए बहुत से लोग जमा होते हैं। दसवीं लाइन, इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ग्यारहवीं लाइन, इस दिन लोग घरों को साफ करके सजाते हैं। बारहवीं लाइन, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं।
13वीं लाइन। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चौदहवीं लाइन। इस दिन कई जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है। पंद्रहवीं लाइन। इस दिन स्कूल तथा ऑफिसों की छुट्टी रहती है। सोलहवीं लाइन। यह त्योहार दिवाली से 20 दिन पहले आता है। सत्रहवीं लाइन। इस दिन लोग नए कार्य का आरंभ करते हैं। अठारहवीं लाइन। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। उन्नीसवीं लाइन। यह त्योहार बहुत खुशी तथा धूमधाम से मनाया जाता है। बीसवीं लाइन। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।